मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका जब हम 27वां अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक देखते हैं, तो वहां पर ये हमें देखने को मिल जाता है। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए मत्ती उसका 27 से 31 तक। हमेशा की तरह हम सुपर फास्ट स्पीड में इन चंद आयतों को पहले उर्दू में पढ़ेंगे और इसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपके पास 5 से 7 मिनट का टाइम है तो परमेश्वर के वचन को पूरा सुनिए। परमेश्वर के वचन को अधूरा सुनना अच्छी बात नहीं है। तो आइए उर्दू में देखते हैं इसका टाइटल क्या है। और उर्दू में इसका टाइटल है रोमी सिपाहियों का यीशु को बेइज्जत करना। 27वीं आयत उर्दू में कहती है, इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमिजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सिर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे कंठों में उड़ाने लगे, ए यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगों को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मशलूब करने को ले गए। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। हिंदी में देखते हैं सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। 27वीं आयत कहती है, तब हाकिम के सिपाही ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी कर दी। बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को किले के अंदर ले जाया जाता है और किले के अंदर ले जाने के बाद उसको बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन में रखा जाता है। जैसे जेड सिक्योरिटी होती है भारत में, इसी प्रकार चारों ओर उसके सैनिक के सैनिक थे। पलटन की पलटन यीशु मसीह के चारों ओर उसकी सिक्योरिटी में थी। 28वीं आयत कहते हैं, और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और यीशु मसीह के जो ओरिजिनल कपड़े थे उनको उतार दिया गया और उसके बदले में बागा पहनाया गया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा गया और कटीले तारों का मुकुट है वो बनाया गया और उसके सिर के ऊपर रखा गया और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया गया और उसका दाहिना हाथ था उसमें एक सरकंडा एक लाठी है वो दी गई और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उसको साठ साठ प्रणाम करने लगे, उसके पाँव में गिर कर उसे प्रणाम करने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, हे यहूदियों का राजा आदाब, प्रणाम नमस्कार। और तीसरी आयत में कहते हैं, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे और यीशु मसीह पर थूका और वही सरकंडा जो उसके हाथ में दे रखा था उससे लेकर उसको मारने लगे, सिर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। और जब उसका अच्छी तरह से उसको इंसल्ट कर ली, यीशु मसीह की बेइज्जती कर लिया, तो फिर उसका जो बागा जो उसको पहनाया गया था उसको उतार दिया गया और यीशु मसीह के जो ओरिजिनल कपड़े थे उसे पहनाए दिए गए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसको ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए है, जो कि परमेश्वर का बेटा था, जो कि सुपर पावर है, वो कुछ भी नहीं बोला। ये बिल्कुल ऐसा ही है कोई टाइम एटम बम हो, परमाणु बम हो और उसके चारों ओर छोटे मोटे बम है, किचड़ी है, मिठास है, दो नड़ी है, AK-47 है, ऐसे हथियार है, वो बड़ा ही मारते फिरे, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा है वैसा है, और उसका ठट्ठा करे उस एटम बम का और उसका मजाक उड़े कि ये क्या है, चुपचाप पड़ा रहता है, न कोई इसको देख सकता, न कोई इस्तेमाल कर सकता। और यदि वो एटम बम इतना कुछ सह रहा है तो बड़ी बात है, क्योंकि जब वो एक्टिव होगा तो सब कुछ तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा। इस बात को वो छोटे मोटे हथियार नहीं जानते थे। यही हालत यहाँ पर है। ये लोग जो यीशु मसीह के साथ कर रहे थे, इन्होंने नहीं जाना है कि ये परमेश्वर का बेटा है और ये दुनिया, ये पृथ्वी, ये समुन्दर, ये आकाश और धरती, और न सिर्फ ये तीनों बनाई, आकाश धरती और आकाश
धरती और समुद्र, बल्कि इनके अंदर जो चीजें हैं, समुद्र के अंदर जो चीजें हैं, पृथ्वी के अंदर जो चीजें हैं और आकाश के अंदर जो चीजें हैं, वो सारे बनाने वाले भी यही खुदा है, यही खुदा का बेटा है। तो जब पूरी कायनात का जो मालिक है उसके साथ इस प्रकार का जो बर्ताव करना है, क्या ये सही था? ये आप सोचिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे।